हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा। स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बिस्किट चॉकलेट केक। इसके लिए मैंने लिए हैं पार्ले जी बिस्किट। ये 16 पीस हैं और मैंने इसे 4 के पेयर बना दिए हैं। साथ ही में हम लेंगे 1/2 कप नारियल का बूरा, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून चोको पाउडर, 1 टीस्पून पाउडर शुगर और थोड़ा सा हम दूध लेंगे। ये दूध हमारे दोनों में ही काम आएगा, फिलिंग के लिए भी और कोटिंग के लिए भी। साथ में हम लेंगे मेल्टेड चॉकलेट। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। फिलिंग के लिए सबसे पहले हम कोकोनट पाउडर और मिल्क पाउडर को मिलाएंगे। और इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। दूध इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएंगे, एक साथ नहीं मिलाना है। साथ ही इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून जितनी शुगर पाउडर, शुगर ये हमने ली है। फिलिंग हमें ज्यादा पतली नहीं चाहिए, ये गाढ़ी ही हमें चाहिए होगी। इसमें 1/4 कप जितना दूध हमारा लगा है। ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। ये जो चोको पाउडर हमने लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून जितना बस हम दूध मिलाएंगे, ज्यादा हमें नहीं मिलाना है। साथ में हम थोड़ा सा पाउडर्ड शुगर मिलाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है। ये सिरप हमारा बनकर तैयार हो गया है। ध्यान रहे इसमें कोई लम्स ना रहे। सबसे पहले हम अपने बिस्किट का एक पेयर लेंगे। ये एक बिस्किट मैंने लिया है, इसके ऊपर ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ये थोड़ा सा रखेंगे। ज्यादा नहीं रखना, थोड़ा सा इसको रखेंगे। इसके ऊपर दूसरा बिस्किट रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम जो हमने सिरप बनाया था वो लगाएंगे। ज्यादा नहीं लगाना है, पार्ले जी बिस्किट है वैसे भी सॉफ्ट ही होता है। ये हम सिर्फ फ्लेवर के लिए लगा रहे हैं। अब इसके ऊपर दूसरी कोटिंग लगाएंगे। एक और पार्ले जी बिस्किट इसके ऊपर रखेंगे हम। सेम प्रोसीजर दोबारा से रिपीट करेंगे। कोटिंग एक बार फिर से लगाएंगे और अपना लास्ट बिस्किट रखेंगे। पहले हम इस तरह से बना के तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसको चॉकलेट सिरप में डिप करेंगे। पहले मैं इसी तरह से अपने सारे बना लेती हूँ। ये चारों में मैंने फिलिंग भर ली है, ये रेडी हो गए हैं। चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है, आप देख लीजिए इस तरह से ये होना चाहिए, बिल्कुल पतला। एक बिस्किट का पेयर मैंने लिया है और इसको एक थैली पे मैंने रखा है। इससे क्या है, हम जब उठाएंगे तो इसको चॉकलेट चिपकेगी नहीं प्लेट से। अब इसी के ऊपर हम अपनी चॉकलेट डालेंगे। अच्छे से डालनी है, ये अपने आप साइड से कोट हो जाएगी चारों तरफ से। चारों तरफ से हमें इसको कोट करना है चॉकलेट से। ये जैसे जैसे हमारे तैयार होते जाएंगे ना, इसको हम तुरंत फ्रिज में रखते जाएंगे, इसको बाहर नहीं रखेंगे। चॉकलेट भी मेल्ट होती है और अंदर की फिलिंग भी है वो भी मेल्ट हो जाएगी। बिस्किट इससे बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ मैंने कोटिंग कर लिया अच्छे से।
बस इसी तरह मैं अपने चारों बिस्किट्स को कवर कर लूंगी चॉकलेट से। ये सभी बिस्किट चॉकलेट केक हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। फ्रिज में इसको हमने 15-20 मिनट के लिए रखा था। ये देखिए, ये चारों तरफ से अच्छे से सेट है। ये जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है इसको हम निकाल भी सकते हैं, इसको फिनिशिंग दे सकते हैं। एक चाकू ले लीजिए और साइड में से चॉकलेट्स हम थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा चॉकलेट्स हटा दीजिए, और चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। एक्स्ट्रा चॉकलेट को इस तरह से हम निकाल देंगे। ये देखिए, ये पूरा हमारा रेडी है, ये हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। हम चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं सेंटर से। ये देखिए, बहुत ही अच्छा बना है, इसमें पूरा चॉकलेट है, अंदर हमारी पूरी अच्छे से फिलिंग दिख रही है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें। थैंक यू।